हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मनी के बारे में। सीबीएसई में मनी के बारे में जो भी सिलेबस में आज हम वो डिस्कस करेंगे और उसको हम इजी वे में किस तरह से सीख सकते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं, मैं उसकी तरफ एक छोटा सा प्रयास करूँगा। मनी को अगर आपने पढ़ना है तो मनी को पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए वो होना चाहिए बार्टर सिस्टम। अब ये बार्टर सिस्टम है क्या और ये किस तरह से वर्क करता था, ये हमारा एवोल्यूशन ऑफ मनी में काफी काम आएगा कि जब हमारे पास मनी नहीं थी तब किस तरह से काम चलता था, यानी कि मनी के बिना क्या था और मनी के आने से क्या हुआ, इसके बारे में हम समझ के मनी के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जब मैं बार्टर सिस्टम की बात करता हूँ, ये वो वाला सिस्टम होता है जिसमें मनी नहीं थी तो हम लोग क्या करते थे, हम कमोडिटी के बदले में कमोडिटी जो है वो एक्सचेंज करते थे, यानी कि ये बार्टर सिस्टम उस तरह का सिस्टम हुआ जिसमें देयर इज ए बार्टर ऑफ एक्सचेंज बिटवीन गुड्स, यानी कि अगर हमें वो ये कमोडिटी चाहिए तो हम दूसरी कमोडिटी को दे के उस वाली कमोडिटी को खरीद सकते थे। हमारे पास कोई भी सिस्टम लाइक मनी की तरह कुछ भी इस तरह का सिस्टम नहीं था कि जिसमें हम एक्सचेंज के लिए कोई और मीडिया यूज कर पाए। बार्टर सिस्टम में हम कमोडिटी को और कमोडिटी को ही एक्सचेंज करते थे, इसलिए इसको सीसी इकोनॉमी भी कहा जाता है, सीसी इकोनॉमी भी कहा जाता है। बार्टर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड ए कमोडिटी कमोडिटी इकोनॉमी। बार्टर सिस्टम में जो एक्सचेंज होता था वो ऑन द बेसिस ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता था, बार्टर सिस्टम में जो एक्सचेंज किया जाता था वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स से होता था। अब ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या था, अगर सपोज किसी फार्मर को क्लॉथ चाहिए तो ये क्लॉथ के लिए फार्मर के पास ऑब्वियसली क्या होगा, वीट होगा। ये क्लॉथ के लिए वीवर के पास जाना पड़ेगा और वीवर को उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली वीवर मस्ट हैज वीट फ्रॉम द फार्मर, तो वीट के बदले में क्लॉथ लिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। लेकिन प्रॉब्लम थी कि बार्टर सिस्टम में जो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो थी उसके बिना एक्सचेंज पॉसिबल नहीं था, यानी कि जो मेरे को चाहिए दूसरे बंदे के पास वही चीज होनी चाहिए, विदाउट दैट ट्रेड इज नॉट पॉसिबल। प्रॉब्लम ये थी देयर वाज अ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो ये जो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट था इसकी वजह से बार्टर सिस्टम में ट्रेडिंग कॉस्ट पड़ती थी। ट्रेडिंग कॉस्ट मतलब कि अगर ये एक्सचेंज करना है, अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट आ गया फिर तो ठीक है, अगर ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं आया तो ए को जो चीज चाहिए वो बी के पास है, बट बी को जो चीज चाहिए सी के पास है, और सी के जो चीज चाहिए तो अगर ए के पास हुई तो आपका जो एक्सचेंज जो है वो डायरेक्ट नहीं होगा बल्कि इनडायरेक्टली एक्सचेंज होगा, यानी कि ए जो है बी को वो चीज देगा और जो है जो सी को रिक्वायरमेंट है वो लेगा, अल्टीमेटली फिर सी को वो चीज देगा जो इसको चाहिए और इससे जो है जो ए की रिक्वायरमेंट है वो अपनी पूरी करेगा। तो आपका जो ट्रेड साइकिल ट्रेड सर्कल था ट्रांजेक्शन का वो जो है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये तो तीन के केस में बताया और कई बार ऐसा हो सकता है कि इसमें और ज्यादा भी ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व हो, तो इट लीड्स टू ट्रेडिंग कॉस्ट। ठीक है, दैट इज व्हाई वाटर सिस्टम में ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। वाटर सिस्टम में और भी कई सारा की प्रॉब्लम थी, उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो मैं जब बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स की बात करता हूं तो उसकी सबसे पहली प्रॉब्लम जो मैंने बात की अभी वो की डबल लैक ऑफ डबल डबल कोइंसिडेंस ऑफ
वॉन्ट्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट जो है एक मेजर प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की, जिसको हमने अभी डिस्कस किया। और क्या प्रॉब्लम थी दूसरी? अच्छा, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी? सिमल्टेनियसली डिमांड एग्जिस्ट नहीं कर पाती थी। ओके, दो लोगों की डिमांड आपस में सिमल्टेनियस लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट की प्रॉब्लम क्या थी? सिमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ वॉन्ट्स ऑफ बायर एंड सेलर्स इज डिफिकल्ट टू ऑकर। तो सिमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड ऑफ बायर्स एंड सेलर इज डिफिकल्ट टू ऑकर, ये मुश्किल होती थी। तो ये लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट जो है आपका, वो एक बड़ा प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम में जब मनी हमारे पास नहीं थी। तो जब मैं सेकेंड जो वॉन्ट प्रॉब्लम है थी बार्टर सिस्टम की, वो थी आपकी कॉमन मेजर ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जितनी भी गुड्स हैं, वीट या ऑयल या क्लॉथ की वैल्यू सेम हो, ऐसा तो नहीं होता था। तो बार्टर सिस्टम में जब हमें ये एक्सचेंज करना है, सपोज वीट के साथ ऑयल को एक्सचेंज करना है, तब हम किस तरह से, कितने यूनिट्स ऑफ वीट देंगे और कितने यूनिट्स ऑफ उसके बदले में ऑयल मिलेगा, यानी कि 1 केजी ऑफ वीट के लिए, 1 केजी ऑफ वीट टू बाय 1 केजी ऑफ वीट, हाउ मच ऑयल इज टू बी गिवन, 1 लीटर, 2 लीटर्स और 3 लीटर्स, ये वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? तो एक कोई कॉमन मेजर नहीं था। मनी ने ये प्रॉब्लम बाद में सॉल्व की थी। तो आपके पास वीट, ऑयल और क्लॉथ को आपस में एक्सचेंज करने के लिए आपके पास कोई कॉमन मेजर अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए जो एक्सचेंज है वो करने में काफी डिफिकल्टी आती। सो देयर इज अ नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। एंड व्हाट इज थर्ड वन? इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड। बार्टर सिस्टम में अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपको फ्यूचर पेमेंट करना पड़ता है, जैसे अगर आप किसी एम्प्लॉय को रखते हो तो उसको पेमेंट करनी है फ्यूचर में, मंथ के बाद या ईयर के बाद आपको पेमेंट करनी है। इसी तरह से आपने अगर बोरिंग की है बार्टर सिस्टम में और आपको पेमेंट करनी है उसका, तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट इज बेसिकली फ्यूचर पेमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो फ्यूचर पेमेंट्स आपको करनी है वो आप बार्टर सिस्टम में जो है वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? इसमें सबसे पहली चीज आती है, डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि बार्टर सिस्टम में आप जो फ्यूचर पेमेंट करनी है तो उसकी क्वालिटी जो होता है गुड्स की सेम नहीं रहती है। तो डैट मीन्स वैल्यू ऑफ गुड्स जो होती हैं वो चेंज होती है, वैल्यू ऑफ गुड्स चेंजेस। तो वैल्यू ऑफ जो गुड्स चेंज करते हैं तो आपको मंथली या ईयरली जितना भी पेमेंट करना है तो आप वो सही क्वांटिटी में नहीं कर पाओगे, सही क्वालिटी में नहीं कर पाओगे। फिर दूसरा आपका कॉन्फ्लिक्ट रहेगा विच स्पेसिफिक कमोडिटी इज टू बी यूज्ड, कौन सी स्पेसिफिक कम्योडिटी आप यूज करेंगे डेफर पेमेंट के लिए, ये आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि कई तरह की क्वांटिटी हो सकती है। जो बायर जो 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 पेमेंट करना चाहता है वो चाहेगा शायद वीट में पे कर दिया जाए, लेकिन रिसीव करने वाला शायद कह नहीं ऑयल में पेमेंट किया जाए। तो ये एक प्रॉब्लम रहेगी कि आप कौन सी स्पेसिफिक कम्योडिटी में पेमेंट, तो पहली आप कौन सी वैल्यू कमोडिटी की, मतलब किस तरह कितना क्वांटिटी कमोडिटी का दोगे, कितना वैल्यू कमोडिटी का दोगे मंथली या ईयरली बेसिस पर जो फ्यूचर पेमेंट्स आपने करनी है। सपोज बारो किया है तो इंटरेस्ट की फॉर्म में आप क्या दोगे। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम जो है, ये दो चीज़ों की वजह से जो है आपका डेफर पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहता बार्टर सिस्टम।
लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। हम हमेशा चाहेंगे कि जो भी हमारे पास एक्सेस कमोडिटी होता है उसका वैल्यू हम स्टोर करके रख पाए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हम वाटर सिस्टम में हैं चीजों का वैल्यू स्टोर करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। बिकॉज पहली चीज, जो गुड्स होते हैं ये उनकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो एक प्रॉब्लम रहती है, जो गुड्स रहती हैं उनकी दे पोजेसिस लेस ड्यूरेबिलिटी, स्पेशली एग्रीकल्चर गुड्स एंड सम ऑफ द गुड्स आर पेरिशेबल। और बार्टर सिस्टम बिकॉज इज डोमिनेटेड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर, सो व्हेन यू आर सेविंग एग्रीकल्चर गुड दे आर पेरिशेबल इन नेचर। यू कांट सेव ऑयल फॉर मैनी डेज, यू कांट सेव या एक्यूमुलेट दिस वन वीट फॉर मैनी नंबर ऑफ डेज, ओके दे विल पेरिश, दे विल रिटर्न। सेकेंड थिंग, इफ यू आर एबल टू स्टोर, इट इन्वॉल्व स्टोरेज कॉस्ट, तो आपकी स्टोरेज कॉस्ट एंड टाइम ऑल्सो स्पेस ऑल्सो, सो इट इन्वॉल्व कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट एंड टाइम, जिसमें आपको स्पेस का खर्चा पड़ जाएगा, आपको उसको जो है जो उसको रख रखाव में जो आपका टाइम उसमें वेस्ट होगा। तो ये जो प्रॉब्लम थी इस वजह से देयर इज अ लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वेल्थ। बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम मनी कम्स इन टू एग्जिस्टेंस, ओके। सो अभी हम मनी के बारे में देखेंगे कि मनी होता क्या है, ठीक है, और मनी ने किस तरह से ये प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर दी। मनी, जब मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो व्हाट इज मनी, मनी इज एनीथिंग व्हिच इज जनरली accepted as a medium of exchange। कोई भी ऐसी चीज मनी हो सकती है जो एक्सचेंज के लिए एक्सेप्ट की जा सके, यानी कि अगर मेरे को दो कमोडिटीज को एक्सचेंज करना है, मैं कोई भी चीज को यूज करूं, चाहे वो मैं पीस ऑफ पेपर को यूज करूं, चाहे मैं कॉइन को यूज करूं, चाहे मैं वो चेक को यूज करूं, उसको मनी कहा जाएगा। ये भी ध्यान रखना है कि मनी कोई और कमोडिटी भी हो सकती है, अगर कंसेंट ये है कि इस कमोडिटी कैन बी कॉमनली यूज, अगर हम बना लें कि राइस कैन बी कॉमनली यूज एज ए मनी, तो फॉर एवरीथिंग परचेजिंग एवरीथिंग राइस कैन बी यूज। सो इन बार्टर सिस्टम ऑल्सो इफ 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 वी पुट सम कमोडिटी एज ए मनी, ठीक है, देन इट विल एक्ट एज ए मनी। बट प्रॉब्लम इज देर वॉज नो कॉमन मेजरिंग यूनिट, कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज इन बार्टर सिस्टम। In real world, if rice is accepted as a means of payment, right? Rice is accepted as a medium of exchange, then there is no problem. Okay? Even though carriage and all that problem can be existent, that is why money can be anything. Money can be anything. Anything means anything. Anything means coins, notes, check. Okay, now plastic money also, right? Na, it can also include some common commodity. मतलब एक commodity को हम commonly select कर लेंगे as a money, then it will be act as a money. Okay. और मनी ने क्या किया, अब मनी ने वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वैल्यू स्टोरेज ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मेजर ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो मनी ने चीजों को इजी कर लिया और मनी ने एक तरह का इकोनॉमी को असिस्ट किया, ट्रांजेक्शन को असिस्ट किया, एक्सचेंज को असिस्ट किया, ट्रेड को असिस्ट किया, जिसकी वजह से आज हम इतनी इतनी चीजें जो है वो प्रोड्यूस कर पाते हैं। वैरायटी ऑफ गुड्स कैन बी प्रोड्यूस Only because we have money, ठीक है? Only because money facilitate these transactions. Next is what money supply is. When I am talking about money supply, अच्छा, functions of money is not in the syllabus, that is why I am not taking that.
ओनली बार्टर सिस्टम आई कंसीडर सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मनी. दैट इज व्हाई आई टेक अप द बार्टर्स बैट. दैट इज व्हाई आई टेक बार्टर सिस्टम बिकॉज सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मनी. सो इन योर सिलेबस फंक्शंस ऑफ मनी आर नॉट देयर. ठीक है. आई टेक अप द बार्टर सिस्टम. Why I take up the barter system so that you are able to understand the proper definition of money. What will be when there was no money? What will happen at the time when there was no money? So you are able to understand that thing. So through that you are able to understand the definition of money. Next in syllabus is money supply. Now what is money supply? First of all, it is a stock variable. What is this stock variable? It is a stock variable. Now, what do you mean by stock variable? It is measured at a point of time. Generally, जब भी supply की हम बात करते हैं, हम सोचते हैं कि supply जो है, it is a flow concept. जो हमारे माइंड में हमेशा रहता है सप्लाई इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट. सपोज नल हमने टैप ओपन किया है उसमें से पानी आ रहा है, दिस इज सप्लाई. बट सप्लाई में तो हम वो भी कंसीडर करते हैं जो पानी आपकी टैंकी में स्टोर है वो भी सप्लाई है. और जब हम स्टोरेज की बात करते हैं तो हम पूछते हैं अभी टैंकी में कितना पानी है. ठीक है, दैट इज अ स्टोर कॉन्सेप्ट. और जब मैं नल को खोलता हूं तो मैं बताता हूं अब नल में कितना पानी है. कैसे बताओगे? तब आपको बताना पड़ेगा पर यूनिट ऑफ टाइम के हिसाब से, यानी कि एक मिनट में इस नल से 5 लीटर पानी जो है वो निकलता है. सपोज उस तरह से आपको बताना पड़ेगा. स्टोर के केस में आपको पॉइंट ऑफ टाइम, तो टाइम की उतनी रेलेवेंस नहीं है. आपका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास कितना स्टोर है. जब मैं मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ तो मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये देखना है कि मनी सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो हमको ये देखना है कि पब्लिक के पास मनी कितना है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम. जनरल पब्लिक के पास मनी कितना है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि इस साल आज के दिन और इस मंथ. तो जितना भी जनरल पब्लिक के पास पॉकेट्स में या उनके हाथ में या फॉर दैट मैटर उनके बैंक में जो पैसा होगा वो सारा का सारा जो है वो मनी सप्लाई का पार्ट होगा. सो मनी सप्लाई इज बेसिकली, तो पब्लिक के पास कौन सा पैसा होता है? पब्लिक के पास होगा करेंसी, जिसमें नोट्स एंड कॉइन्स दोनों आएंगे. और पब्लिक के पास पैसा कौन सा होगा जी? पब्लिक के पास जो बैंक में पब्लिक का पैसा है जिसको वो कभी भी जो है वो निकाल सकते हैं, दैट मीन जिन पे चेक इश्यू किया जाता है, वो डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो भी आपका पब्लिक के पास रहेगा. तो पब्लिक के पास करेंसी, बैंक डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक. सो ये जो होगा वो पार्ट ऑफ मनी होगा. ओके. टिल 1967-68 तक आरबीआई जो मनी सप्लाई की डेफिनेशन यूज करता था वो नैरो डेफिनेशन यूज करता था. बट सिंस 1977 आरबीआई जो है वो 4 अल्टरनेटिव मेजर्स यूज करता है. ठीक है, जिसको बोलते हैं हम M1, वही नैरो मनी आ जाता है इसमें, M2, M3 एंड M4. बट हमारे CBSE में हमें सिर्फ M1 करने के लिए बोला गया है, M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई. तो मैं वही लूंगा. M1 मेजर की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है C प्लस DD प्लस OD.
व्हाट इज दिस, सी जो मैंने अभी बताया करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, लोगों के पास जो पैसा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो सारा का सारा आपका करेंसी जो है, सारा का सारा आपका M1 का पार्ट है, मनी सप्लाई का पार्ट है। दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट्स। तो डिमांड डिपॉजिट में जो भी बैंक्स के पास जो आपके डिमांड डिपॉजिट्स हैं, आप कैसे पता लगेगा डिमांड डिपॉजिट्स कौन से होते हैं, जिन पे चेक्स इश्यू किए जाते हैं वो आपके डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। अदर डिपॉजिट्स जो होते हैं, ये निगलिजिबल पोर्शन होता है मनी सप्लाई का अदर डिपॉजिट्स, इसमें आरबीआई के पास जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर आरबीआई के पास डिपॉजिट्स हैं फॉरनर्स के, आप एग्जांपल के कोर्स पे आईडीबी आईडीआई बैंक का अकाउंट है, एलआईसी का अकाउंट है अगर आरबीआई के पास, ठीक है, तो इस तरह से जो अकाउंट्स हैं ये सारे, ये सारा जो है वो आपका अदर डिपॉजिट का पार्ट होगा। बट इसमें गवर्नमेंट गवर्नमेंट का पैसा जो आरबीआई के पास है और जो कमर्शियल बैंक्स का पैसा है वो इंक्लूड नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो आरबीआई के पास जो कमर्शियल का पैसा है वो नहीं, अदर डिपॉजिट जितने भी हैं वो सारे के सारे आपका ये पार्ट होगा इसका मनी सप्लाई का। सो मनी सप्लाई सी प्लस डी डी प्लस ओडी। तो ये आपका था कि मनी